गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ रोहित शर्मा। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर हरविंदर सोनी जी से। इनका मैनेजमेंट एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं काफ़ी वर्षों से मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। काफ़ी रिनाउन इंस्टीट्यूट में मैंने एज ए डायरेक्टर एंड एज ए प्रोफेसर वर्क किया है। मेरे कई रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं और मैंने पेपर प्रेजेंटेशन करी है नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। 5 रिसर्च स्कॉलर्स को मेरे अंडर PhD अवार्ड हो चुकी है। इस तरह मेरे से जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैं ऑनेस्टली अपना काम करते जा रही हूँ। तो मैम आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? मैंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से दो मैं स्पेशली यहाँ कोट करना चाहूँगी। वन इज़ ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि HR मैनेजर्स के लिए भी है और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी है। एंड सेकेंड वन इज़ स्टाफ टर्नओवर इंटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज इन चेन एंड नॉन चेन होटल्स ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, जो एक रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन है और जिसपे हमने काफ़ी मेहनत से काम किया है। तो दीज आर द टू बुक्स विच आई वुड लाइक टू कोट ओवर हियर। तो मैम आपने इतनी सारी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी बात है, मुझसे तो कभी होगी नहीं। तो आपने शिक्षा जगत में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची है, तो मैम इतने सारे लोगों को ट्रेन करना, इतनी सारी पढ़ाई करना, शिक्षा जगत में इतना ऊंचा पहुंचना कैसे? आई एंजॉयड माई वर्क, दिस इज माई ओनली आंसर। मैंने अपने काम को एंजॉय किया, मैंने काम को कभी काम नहीं समझा, मैंने उसको कभी बर्डन नहीं समझा, मैंने उसको एंजॉयमेंट समझा और दिल से किया। और मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ या मैं कोई आउटवे जाके काम कर रही हूँ। मुझे शौक था पढ़ने का और एक नॉलेज के लिए एक थर्स्ट थी मेरे अंदर, नहीं मुझे और जानना है और लर्निंग करनी है। मैं कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव करती हूँ। अभी भी मुझे लगता है मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख सकती हूँ, कुछ लोगों से, बुक से, सिचुएशन से। तो एक लर्निंग की जो ज़ील है मेरे अंदर, दैट मेड मी डू इट। तो मैम आप ड्रीम शॉट्स मॉडलिंग एक्टिंग एकेडमी का एक हिस्सा भी रहेंगे, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, तो आप उन स्टूडेंट्स से और ड्रीम शॉट्स के बारे में क्या कह रहे हैं? ड्रीम शॉट्स गुरविंदर अरोरा का ड्रीम रहा है, इसलिए इसका नाम ड्रीम शॉट्स है। तो उन्होंने इसकी जो स्थापना करी वो बहुत ही हाई विजन के साथ करी है और इसमें से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं जो आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मैंने भी कुछ सेशंस लिए हैं, मुझे भी प्रिविलेज मिला है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का। बहुत मेहनत से काम हो रहा है, बहुत ऑनेस्टली काम हो रहा है और मेरी बेस्ट विशेस हैं कि आगे भी ड्रीम शॉट्स इसी तरह आगे बढ़ता रहे, ट्रेन करता रहे, अच्छे मॉडल्स लाता रहे, अच्छे एक्टर्स डेवलप करता रहे। तो दर्शकों आपको एक बात और बता दूँ कि जो हमारे ड्रीम शॉट्स के फाउंडर है मिस्टर गुरविंदर अरोरा जी, उनकी सिस्टर है ये। तो मैम आपने अभी एक म्यूजिकल एल्बम किया था हमारे सर के साथ, गुरविंदर अरोरा जी के साथ, तो उसमें कुछ वाक्य हुआ होगा, कुछ मज़ेदार वाक्य हुआ होगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो हमारे सर के साथ काम करता है उसको तो बहुत मज़ा आता है, शायद आपको भी आया होगा। मेरे को भी बहुत मज़ा आया, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं अभी तक जिस प्रोफेशन में रही हूँ वो प्रोफेशन इससे बिल्कुल अलग है, सो इट वॉज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने बहुत इन्जॉय किया और एक इंसिडेंट मुझे याद आता है कि एक सीन था उसमें जिसमें गुरविंदर जो है वो पहाड़ से गिर जाता है और ही प्रिटेंड्स या ऐसा वो शो करते हैं कि जैसे उनकी डेथ हो गई है और मुझे ऐसे एक्ट करना है कि मैं रो रही हूँ। तो जब हम वो सीन उदयपुर में इसकी शूटिंग कर रहे थे, तो जब हम ये सीन कर रहे थे तो कुछ लोग जो बाइक्स और कार्स पर रुक गए थे, उनको लगा कि वाकई एक ऐसी ट्रेजेडी होगी और उन्होंने अपनी कार्स रोकी। वो मेरे को कहने लगे कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई मदद करें आपकी। तो फिर हमने सीन रोके कहा नहीं, ये शूटिंग चल रही है। बट इट वॉज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, मुझे लगा कि वाकई कुछ जेन्युइन वर्क हो रहा है, तभी लोगों को लगा है कि एक ट्रेजेडी यहाँ हो गई है, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। सच में दर्शकों मैंने भी ये देखा था, ये शॉर्ट मूवी मैंने भी देखी थी, मुझको भी बहुत फील हुआ था और मैम मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था ऐसे। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी खूबसूरत हैं, तो आपको अगर एक्टिंग के जरिए सीरियल में या फिर मूवीज में काम मिले तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? ज़रूर करना चाहूँगी, अगर मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग रोल होगा, अच्छा रोल होगा
तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं डायनामिज्म में बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. प्रोवाइडेड आई गेट अ गुड रोल एंड गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई एम विलिंग टू डू इट. तो मैम हमको पता भी चला है, ये भी पता चला है कि आप एक बहुत अच्छी कुक भी हैं. तो आपकी सबसे अच्छी डिश कौन सी है? मैं बहुत सी वैरायटीज बनाती हूँ, बट माय सन व्हेनेवर ही कम्स उसको एक चीज़ जरूर मेरे हाथ की चाहिए होती है, वो है चिकन बिरयानी. तो आई थिंक वो यही कहता है कि मेरे मामा के हाथ की चिकन बिरयानी जो है ना कोई नहीं बना सकता. तो मैम कभी आप हमें भी खिलाइए. ज़रूर. तो जो लोग मैम आपको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? और जो लोग, जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, आजकल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगी, enjoy your work, have passion for it. अगर ये आपने कर लिया तो जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. दूसरी बात, जहां तक पेशेंस की बात है, ये तो वाकई सच बात है कि आज की जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता जो है वो खोती जा रही है, डायरेक्शन खोती जा रही है. तो कहीं ना कहीं मोरालिटी, मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें हमें करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम अच्छे प्रोफेशनल्स तो बना रहे हैं, बट अच्छे इंसान क्या हम बना पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये जो क्राइम्स की तरफ बढ़ रहे हैं या जो इतना इम्पेशेंस आ रहा है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो हैप्पीनेस, जैसे मैं खुद वर्कशॉप्स लेती हूँ हैप्पीनेस मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे बढ़ाई जाए, तो इस तरह की वर्कशॉप्स के थ्रू और इस तरह की ट्रेनिंग्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स को हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं. तो मैम आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तो स्मिता पाटिल हैं, बिकॉज मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं बहुत दिल से काम किया एंड शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो मैं उनको एडमायर करती हूँ. और जहाँ तक एक्टर की बात है, आई एडमायर अमिताभ बच्चन, क्योंकि आज इस एज में आने के बावजूद उनका जो रूटीन है, He's, I think, 76, और आज भी वो पूरी शूटिंग उसी तरह कर रहे हैं, उसी बिगर से काम कर रहे हैं. सो दैट आई एडमायर कि ये अगर आप करना चाहो तो एज इज नो बार. सो पहले से आज भी वो वैसे ही काम कर. बिल्कुल. तो हमें पता चला है मैम आप बहुत अच्छा गाती भी हैं. मेरे को बताया किसी ने कि अरविंदर मैम बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो आप दो चार लाइन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए. मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ. आप कह रहे थे दो लाइन में गा लेती हूँ. धीरे धीरे प्यारे को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से बहुत अच्छी आवाज़. जैसा मैंने सुना था ऐसा ही मेरे को सुनने में मिला. बहुत अच्छी आवाज़ है मैम सच में आपकी. ओके थैंक यू मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम. ओके दर्शकों, आपको उम्मीद है कि आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा, अरविंदर मैम का इंटरव्यू पसंद आया होगा, और जहाँ तक है सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा होगा क्यों मैम. ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे हमारे ड्रीम शॉट चैनल में. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. मैम आप भी शेयर करने के लिए बोल दीजिए प्लीज. सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. ओके दोस्तों, बाय बाय.